ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। एमपी की कमलनाथ सरकार और पूरी कांग्रेस भले ही नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही हो, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस कानून को लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हो, लेकिन एमपी के कांग्रेस विधायक कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सुवासरा से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने नागरिकता कानून का खुलेआम समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही हरदीप सिंह डंग ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेते हुए कहा कि सिंधिया ने भी कश्मीर से धारा 370 हटाने का समर्थन किया था, तो उन्होंने भी धारा 370 हटाने का समर्थन कर दिया। सिंधिया जी ने 370 और मैंने भी 370 का उस टाइम पे समर्थन करा था, और मैं मानता हूँ कि इसको दो अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। CAA और NRC, इन दो सब्जेक्ट को अलग अलग करते हुए देखें तो एक तरीके से अपन माना जाए कि भाई जो पाकिस्तान में दुखी इंसान है, अगर उनको यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है। और एक NRC है जो नागरिकता जो जन्मजात से यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनसे प्रमाण पत्र मांगते हैं तो ये भी सोचने वाली बात है। नहीं, मेरा कहना है, मैं सिंधिया जी की नहीं, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ। CAA जो अगर कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश में अगर कोई साथ वहाँ पर दुखी है और यहाँ पर अगर उसको सुविधा मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और NRC के नाम पर जो यहाँ के निवासी हैं, जिनके दादा पिताजी यहाँ पर रहते हैं, और उनसे अगर प्रमाण पत्र मांगते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जबकि वो यहाँ पर जन्मों से जन्म यहाँ पर ही रह रहे हैं। इसको दो ही को अलग अलग तरीके से देखा जाए, नहीं इसमें दो अलग तरीके से देखा जाएगा। ये राजनीति जो चल रही है, कहीं ना कहीं ये दो ही को मिला के देखा जा रहा है, जबकि CAA अलग चीज है, NRC अलग चीज है। कांग्रेस विधायक का बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में हुई बैठक के दौरान CWC ने मांग की है कि CAA को वापस लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि CM कमलनाथ ने भी साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में ये कानून लागू नहीं होगा। पिछले दिनों CM कमलनाथ ने इस कानून के खिलाफ भोपाल में पैदल मार्च किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।